यहाँ पर श्रावण मास का आज आखिरी सोमवार रहा। हरिद्वार में सुबह से ही शिव मंदिरों में जला अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। वहीं हरिद्वार पहुंचे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता पूरे देश की सफलता है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद पर जिस जगह पर कदम रखा है उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पॉइंट को तिरंगा का नाम दिया है जहां पर चंद्रयान 2 लैंडर क्रैश हुआ था। सब पे बनी रहे और चंद्रयान के बाद में जिस तरीके से देश दुनिया में भारत का जो है वो चंद्रयान 3 एक अच्छी खुशखबरी है पूरे देश दुनिया के लिए, तो बस ऐसी कृपा बनी रहे और हम भी पूरे देश को विश कर रहे हैं यहाँ से कालीघाट से और बस पूरे हरिद्वार के सभी भाई बहनों को और पूरी मीडिया बंधुओं और सबको प्रणाम करता हूँ और सावन के महीने में बस यही दुआ करता हूँ कि शिव का इतना बड़ा अद्भुत महाअभिषेक जो है वो महाराज जी के हाथों हो रहा है तो सब इसका आनंद उठा रहे हैं और सबसे उनका यही काम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नामकरण किया है वो बिल्कुल सही है, शास्त्र सम्मत है कि चंद्रमा को उनका कारक माना गया है वो शीतलता प्रदान करता है। तो आज भी चंद्रमा का जो वातावरण है बिल्कुल ही शीतल है। हमारे पूर्वजों ने ऋषियों ने बहुत लंबा शोध किया है सभी ग्रहों के ऊपर, चंद्रमा को पृथ्वी ग्रह का एक अंश माना गया है ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार। तो आज के जो समय में चंद्रयान की सफलता समस्त भारत के विश्व में जहाँ भी सनातन धर्म में रहते हैं वो सब अपने आप को गौरवान्वित समस्त अखाड़ा पर जो साधु समाज सारे वैज्ञानिक